पूरे जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने बैठे बैठे ही सत्कार में नारा बोलना है जी। सभी बैठ जाए करके अपने अपने जगह पर सभी बैठ जाए। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी तारा सिंह श्री माधवपुर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी आकाश सिंह मुक्तसर से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। जो भी बहने भाई खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से बैठ जाएं जी। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। भाग बड़े जो सत्संग में आ गए हैं, भाग बड़े जो सत्संग में आ गए, नाम को पा गए वो भाग जगा गए हैं। भाग बड़े जो सत्संग छुड़ा गए हैं भाग बड़े जो सत्संग में
सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी आकाश इंसा मुक्तसर से भजन सुना रहे जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिसने जपा नाम वो लाभ है उठा गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा गया। मुश्किल मिला जन्म पाया बड़ी देर से, जन्म मरण के दुख चौरासी के फेर से, चौरासी के फेर से काट के गुलामी फिर आजाद होके आ गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा गया। पांच चोर हैं लगे, स्वातो रूपी पूंजी को जो दिन रात है ठगे, दिन रात है ठगे, जिसका चला जोर है वो दाव है लगा गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा गया। सांस है नाम को ध्याना दी, आत्मा विचारी को जेल से छुड़ाना दी, जेल से छुड़ाना दी, भूला हुआ काम जो समझ याद आ गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा। सफल बनाना है कहे शा सतनाम जी पीछा, काल से छुड़ाना है, काल से छुड़ाना है, सुनकर वचन जो अमूल कमा गया, जितने जपा नाम ना जन्म गवा गया, जितने जपा नाम वो लाभ है उठा गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गवा गया। धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया, पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया, मात गर्भ से जब बाहर आया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया, टूट गई लिव मालिक से,
मात पिता की ममता में खो गया। बचपन सारा खेल में गवाया, हो गया जवान मन विषयों में लगाया। आता नजर नहीं अपने समान, चढ़ती जवानी का गुमान हो गया। आते जन्म नजर तले कुछ आता नहीं है, अच्छा कर्म कोई पाता नहीं है। बकरे तरह सदा मैं करे, मरने के बाद मैं से तू हो गया। बाकी जो रहती आयु लेके में लगा ले, श्वास श्वास में नाम प्रभु का दयाले। कहीं शासक नाम जी अब है समय, फिर क्या करे नींद मौत सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक सजन बाजी प्यारी सत्संग जीओ, मनुष्य वो शरीर जिसे परमपिता परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम सर्वोत्तम बनाया, वो शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु की भक्ति इबादत करके मनुष्य आवागमन से आजाद हो सकता है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता रोग मिटा सकता है और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म कर सकता है, ऐसा शरीर भगवान ने बनाया। और ऐसे शरीर में इंसान रूपी जो जीवात्मा आई है, अगर वो मालिक की भक्ति नहीं करती, मालिक का नाम नहीं लेती, तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये सब पशुओं के कार्य हैं और इंसान भी यही कार्य करता है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन गलत तब है जब यो कार्य करना चाहिए वो कार्य इंसान नहीं करता है। और वो कार्य हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है, ईश्वर का नाम जपना, प्रभु के नाम का सुमरण करना। जब तक इंसान प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेगा, तब तक आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा, दुख दर्द मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलेगा और इंसान गमगीन रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो आप अपने अंतःकरण में देखो, आपके अंदर जो कमियां हैं सुमरण के द्वारा भक्ति के द्वारा उसे निकालो,
उस ओंकार की भक्ति जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को खुद बनाया है, वो ओंकार जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी भक्ति देव महादेव सब करते हैं, जिसकी समाधि में देव महादेव सब बैठते हैं, उसकी भक्ति के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है और आपकी भक्ति 100% सफल है, क्योंकि मृत्यु लोक में रह के जो उस ओंकार की भक्ति करेगा, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का नाश होगा और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष जरूर मिलेगा। आप प्रभु के नाम का सुमरण जैसे जैसे करते जाएंगे, आप मालिक के नाम का सुमरण जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंत्यकरण की मैल साफ होती जाएगी। शीशे पे धूल मिट्टी लग जाए तो अक्स सही नजर नहीं आता, चेहरा सही नजर नहीं आता, पर उसको सही ढंग से साफ किया जाए, सही तरीके से साफ किया जाए तो बिल्कुल साफ साफ जैसा आपका चेहरा है वैसा नजर आने लगता है। उसी तरह दिलो दिमाग के शीशे को प्रभु के नाम के द्वारा साफ करो। प्रभु के नाम से अगर आप साफ करेंगे, मालिक की भक्ति से अगर साफ करेंगे, तो मालिक का अक्स साफ साफ उभरेगा और उसके नूरानी स्वरूप के दर्शन आप कर पाएंगे। उसके नूरानी स्वरूप के दर्शनों में क्या मिलता है? आपके अंदर बेहिसाब आत्मिक शक्ति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। कोई आपको गालियां भी देगा, उसका असर नहीं होगा, और जो गालियां देता है उसी पे उसका असर होगा और वो ही दुखी होगा। आपको लेश मात्र भी कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर ये संभव है जब मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो तब, या सुमरण के द्वारा आप अपने आत्मबल को बुलंदियों पे ले जाएं तब। सुमरण कभी ना छोड़ो, लेटे लेटे सही, 2 मिनट सही, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप कर पाओ सुबह शाम दिन में करते रहो। वो आपके लिए संजीवनी है, जो आपकी मरी हुई आत्मा को जिंदा करती है, जो आत्मा परमात्मा की दूरी को खत्म करती है। और जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, वो सपने में हो, प्रत्यक्ष में हो, यकीन मानिए उसमें जो परमानंद आता है उसको लिखने बोलने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो आपको नाम का सुमरण करना चाहिए, ईश्वर के नाम की भक्ति करनी चाहिए। उस पर कोई मोल नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं देना पड़ता। आप अनमोल नाम बिन मोल के संत पीर फकीरों की सत्संग में से ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे जाप करेंगे, जैसे जैसे भक्ति करेंगे, वो अनमोल नाम फलेगा फूलेगा और आपको मालिक की बेइंतहा खुशियों से मिला देगा। आप रोटी खाते हैं, रोटी खाने में भी जोर आता है, पहले कौर तोड़नी पड़ती है, फिर लगावन सब्जी साग भाजी उसे लगानी पड़ती है, फिर मुंह में डालनी पड़ती है, फिर चबाना पड़ता है, फिर आंतड़ियां उसको हजम करती हैं, तब जाके ताकत मिलती है। ईश्वर के नाम के लिए ना कुछ तोड़ना है, ना कुछ लगाना है। दिमाग में ईश्वर का नाम सेट कर लो, ख्यालों से या जीभा से अभ्यास करते रहो। जितना करते रहोगे, खाने का आपको ताकत मिले न मिले, पर हम आपको गारंटी देते हैं इस कलयुग में राम नाम की ताकत आपको जरूर मिलेगी।
जितना भी आप सुमरण कर लेंगे, जितनी भी आप भक्ति कर लेंगे, उसका फल तो लाजमी मिलेगा, वो कभी खाली नहीं जाता। बस दीनता रखो, नम्रता रखो, अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार को मार है, खुद ही नहीं बढ़नी चाहिए। ओम हरि ईश्वर अल्लाह गॉड राम को पाना है तो अपनी बुराइयों को मिटाना है। सुमरण भक्ति इबादत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, दीनता से नम्रता से आगे बढ़ते जाओगे, सुमरण करते जाओगे तो सुमरण में ध्यान लगने लगेगा। फिर ऐसा आनंद आता है कि आदमी को सुमरण करना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो सुमरण चलना शुरू हो जाता है और मालिक के नजारे जागते सोते मिलते रहते हैं। तो मनुष्य जन्म जो मिला है इसको सार्थक कीजिए, इसको व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए। भले कर्म करो, पर हित परमार्थ तन से मन से धन से जितना भी कर सको वो करो, और सुमरण और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगते रहो। सुमरण करने में तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। आप खाली होते हुए भी उसका नाम नहीं लेना चाहते, समय होते हुए भी उसे नहीं देना चाहते, इसलिए आपका समय बर्बाद होता है, इसलिए आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो अपने अंदर की बुराइयों को, अपने उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुखी हैं, अगर मिटाना चाहते हो सेवा और सुमरण करो, वो विचार मिट जाएंगे। और जैसे ही वो बुरे विचार खत्म होंगे, नेक विचार प्रकट होंगे, नेक विचार बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे अवगुणों का नाश, गुण बढ़ते जाएंगे, आप गुणवान बनते जाएंगे और दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। समाज में भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और अगले जहान में आपकी जय जयकार होगी, आत्मा आजाद होगी, मालिक की गोद में जा विराजेगी। तो इसलिए भाई दोनों जहां की खुशियां मिलती हैं अगर इंसान संतों की पीर फकीरों के वचनों पे अमल करे। वचन मानना है, वचनों पे चलना है, और संत कोई ऐसा वचन नहीं कहते जो ना माना जाए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है आप तो नहीं मान पाएंगे तो सुमरण कीजिए। सुमरण आपको आत्मबल देगा, आत्मिक शक्ति देगा, जिसके द्वारा आप सब पीर फकीर के वचनों को मानना शुरू कर देंगे और बहुत सुख में जीवन बिताएंगे, आनंद से जीवन बिताएंगे। आदमी को कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, और कभी सफलता मिल जाती है, कभी असफल का दुख सताता रहता है। तो असफल जीवन में अगर आप होते हैं, असफलता अगर आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो उसके लिए सुमरण कीजिए। क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो भगवान जी आपका साथ जरूर देते हैं। हिम्मत ही मर्दा मदद खुदा, आप हिम्मत कीजिए, मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। तो जो वचन मानते हैं, सुमरण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हीं के अंदर हिम्मत बढ़ती है, उन्हीं के अंदर आत्मबल बढ़ता है, और वही दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते हैं और उनके कुलों का भी उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भाई चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जितना कर सको सुमरण करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से मालिक की रियाय प्रजा के लिए भला मांगो, ताकि मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शें, आपके तमाम गम दुख दर्द चिंताओं को दूर कर दें और मालिक की खुशियों से माला माल कर दें। और
जयपुर की लंगर समिति की चार बहनों ने जिम्मेवार का प्रसाद लेना है। आशा इंसा, द्रुप्ति इंसा, मुनि इंसा, चंपा इंसा, खड़े हो जाइए। और संतोष इंसा ने पूरे राजस्थान की लंगर समिति की जिम्मेदारी का प्रसाद लेना है। तो बेटा, बचनों पे पक्के रहना बहुत जरूरी है। बचनों पे पक्के रहना, सेवा करना। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं। आप आश्रम में जोर शोर से सेवा करना और मालिक से दुआ, दिन दुगनी रात चौगुनी दिया, मेरे रहमत से भी बढ़ के आपको खुशियां बख्शे। सो प्रसाद ले लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद, बैठ जाइए। यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेना है 15 बहने, और ब्लाक जिम्मेदार का प्रसाद लेना है 6 बहने, वो भी खड़ी हो जाए। तो बेटा, आप सभी जो वचन अभी किए वो आप सब पे लागू हैं। सो प्रसाद लेना और दिन दुगनी रात चौगुनी माल करेमो कर्म से माला माल करें और बचनों पर रहती हुई सेवा करें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई, छोड़ा छोड़ा है, ऐसे 3 परिवार आए हैं। सभी का नाम लिया था, परिवार दोनों तरफ आए हैं। 2 परिवारों ने भलाई फंड में, दीन दुखियों के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, जगतपुरा जयपुर से और सांगनेर जयपुर से और बोबास जयपुर से। तो ये सभी लोग खड़े हो जाएं। तो बेटा, जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों त्यों निज धाम सचखंड सतलोक के नाम ही जरूर जाती है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है वो मरहम भी जरूर देता है। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। मालिक आपको ताकत दे, मालिक आपको शक्ति दे। शास्त्र मेडिकल स्कूल श्री गुरु सर मोड़िया लाइव में, ऐसे प्यारे पिताजी हमारे स्कूल से हैंडबॉल के अंडर 14, 17, 19, बास्केटबॉल में अंडर 19, आर्चरी में अंडर 19 के खिलाड़ियों ने जिला प्रतियोगिता खेलने के लिए जाना है। सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद। और सुमन करो, पूरा टैलेंट दिखाओ, मालिक साथ हैं, आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जी, और जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो शामदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठी रहिए, सजी रहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकती है, रहने का जैसे सेवादर भाई बताएंगे, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और कल सत्संग जो है वो जयपुर शहर में है। आप ज्यादा से ज्यादा सात संगत को ये सूचना दें, क्योंकि यहाँ के सत्संगियों ने ये बोला कि गुरुजी अगर अंदर शहर की करें तो ज्यादा लोग हम आ सकें, ये दूर है कुछ जगह, तो इसलिए वहाँ सत्संग रखा गया है। कौन सा ग्राउंड भाई, कुछ नाम बोला है? इन्वेस्टमेंट ग्राउंड है, कोई विधानसभा के पास है या अमरूदों वाला बाग, वो भी उसके पास है, तो वहीं पे ये सत्संग है जी। तो आप आगे से आगे बता सकते हैं और जितना आप बताएंगे उतना ही सेवा आपको मिलेगी, क्योंकि सत्संग यहाँ की बजाय वहीं पहुंचे तो वहीं नाम है। तो आपसे गुजारिश कि आप वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो बुराइयों से जुड़े लोग हैं उनको लाएं, ताकि उनकी बुराइयां छूट जाएं और उनके घर जो नरक जैसे बने हुए हैं वो स्वर्ग बने। अगर आप एक भी परिवार को नरक से स्वर्ग की तरफ लेके जाते हैं तो मालिक भी आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। सो बहुत आशीर्वाद। और साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छूट जाता है। रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। तो लेकिन ख्याल रखना, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है जी। सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सत्संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। तो जो भी सत्संग पधारी है बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो शाम दिन कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सज रही, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठी रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनंद सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार बैठे रहें। जो बहने खड़े हो गए हैं बैठ जाएं प्लीज, सभी बैठ जाएं 1-2 मिनट के लिए, किसी ने भी खड़े नहीं होना, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है।
शोर न करें और बैठे रहें, सभी अपने अपने जगह पर बैठे रहें। कल जो सत्संग का समय है, सत्संग ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ग्राउंड अमरूदों का बाग के पास ये ग्राउंड है, विधानसभा के पास, अमरूदों का बाग के पास ये ग्राउंड है, इन्वेस्टमेंट ग्राउंड, वहां पर ये सत्संग है। पूजा गुरु जी नाम शब्द गुरु मंत्र देंगे, रूहानी जाम भी पिलाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपने आगे बताना है, क्योंकि किसी जीव की बुराइयों को छुड़ाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना, गुरु मंत्र दिलवाना, ये महादानों का भी महादान है। और पूजा गुरु जी के वचन आपने अभी सुने, ये सबसे बड़ा दान है, बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी। आगे के आगे आपने ज्यादा से ज्यादा बताना है अपने आस पड़ोस में, गांव शहर में, रिश्तेदार संबंधियों को। जितना ज्यादा आप बताएंगे उतनी ज्यादा सेवा बनेगी, और जितने ज्यादा नाम वाले जीवों को आप लेकर आएंगे तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। ठीक 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, अमरूदों का बाग के पास इन्वेस्टमेंट ग्राउंड है, विधानसभा के पास ही ये ग्राउंड है सत्संग का। तो वहां पर पूजा गुरु जी सत्संग फरमाएंगे, ठीक 9 बजे सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ये भी आपसे निवेदन है कि आप नाम वाले जीवों को समय से ले आया करें, लेट न किया करें, ताकि वो गुरु मंत्र से वंचित न रहें। 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा तो 10 बजे तक आप नाम वाले जीवों को ले आया करें, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा करें। जिनका लॉकेट गुम हो गया या खराब हो गया, वो पीछे काउंटरों के पास जाकर सेवा